हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी राज की स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब यहाँ पे आपको एक हिंट भी दिया गया है जो है टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी रुपीज एक्स एंड दैट ऑफ अ पेन टू बी रुपीज वाई। मतलब कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो आपको एक्स लेट करना है और जो पेन का कॉस्ट है वो आपको वाई लेट करना है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बोली गई है। अब इस चीज को भाई आपको किसमें लिखना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखना है इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय भर्ती परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में जो अच्छे पब्लिकेशन वाले लेकर आए हैं। ये दो बुक है, पहली बुक जिसमें सभी सिलेबस के टॉपिक से कंसेप्ट को क्लियर किया गया है और दूसरी बुक तो बहुत ही शानदार है जिसका नाम है स्टडी गाइड। ये आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। दोस्तों इस बुक में पिछले 14 इयर्स के क्वेश्चन इन्वॉल्व है और 2014 से लेकर के 2021 तक के शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और साथ ही साथ 8 प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो दोस्तों आप इस बुक को ऑनलाइन फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से मंगा सकते हैं, ऑफलाइन अपने किसी भी नजदीकी दुकान से भी आप इसको खरीद सकते हैं। तो एक बार इस बुक को जरूर ट्राई करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, देन हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इक्वल टू एक्स वाई। हमें यहां पे कहा भी गया है एंड यहां हो जाएगा लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन जो कि है वाई। ओके, अब देखिए ये चीज हमारे पास यहां पे हो गई एंड नेक्स्ट देखिए कि इसमें आप ध्यान देंगे तो आपसे सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो नोटबुक का प्राइस है वो ट्वाइस पे आपको फोकस करना है बहुत ज्यादा। ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, यानी कि अगर आपकी जो पेन है, ठीक है, जो पेन है मान लो वो 10 रुपए की है तो जो आपकी नोटबुक है दोस्तों वो 20 रुपीज की हो जाएगी। सिमिलरली मान लीजिए अगर आपकी नोटबुक 40 रुपीज की है तो आपकी पेन 20 रुपीज की हो जाएगी। राइट, समझ में आया। ये चीज यहाँ पे है, पेन का कॉस्ट अगर 20 है तो नोटबुक का कॉस्ट 40, मतलब डबल हो जाएगा उसका, ट्वाइस यानी कि डबल उसका, दो गुना। ठीक है, तो यहाँ पे नोटबुक के लिए लिखेंगे हम एक्स, नोटबुक का प्राइस कितना है भाई, एक्स है तो एक्स लिख लेंगे। अब यहाँ पे आपके जो पेन का प्राइस है वो कितना है वाई, तो इक्वल्स टू लगा देंगे वाई इक्वेशन बनाने के लिए। इक्वल्स टू तो भाई बीच में बहुत जरूरी है, तो इस तरीके से इक्वल्स टू हो गया। देन अब एक चीज पे आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ट्वाइस बोला गया है, मैंने अभी आपको बताया, तो ट्वाइस मतलब की दो गुना, यानी कि आगे लग जाएगा 2y 2 मल्टीप्लाई बाय y। ओके, क्योंकि वो पेन का दो गुना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा, दिस इज 2y एंड x इक्वल टू 2y अच्छा नहीं लग रहा है, इसको इस साइड कर लेते हैं, है ना। तो x अब 2y अभी इधर प्लस में है, उस साइड माइनस हो जाएगा, सो x माइनस 2y अभी इधर तो कुछ नहीं बचा तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए ऐसे अच्छा लग रहा है, सो हियर इज x माइनस 2y इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।